सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं निकल रहा हूँ पौंडीचेरी से और सामान बांधने में थोड़ा बिजी था इसलिए शुरुआत में मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी एंगल मेरे ख्याल से अच्छा आ रहा होगा, कैमरा एंगल। ये जो गिटअप का सेटअप है ना, ये कुछ गड़बड़ है इसका वाईफाई। जब भी मैं इसको वाईफाई ऑन करता हूँ तो जैसे मोबाइल से कनेक्ट होता है तो कुछ देर बाद जैसे मैं एंगल सेट करने ही वाला होता हूँ कि ऑफ हो जाता है ये विद इन वन मिनट के अंदर। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ओंगोल जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहले मुझे करना होगा फ्यूल अप बाइक को पेट्रोल, क्योंकि एकदम नहीं है और बड़ी ख़तरनाक गर्मी है अभी। मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन जो गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ, ख़तरनाक गर्मी। मतलब पसीने से एकदम मैं नहा चुका हूँ। तो ये आ गया हमारा फ्यूल स्टेशन जहाँ से मैं अभी फ्यूल अप करूँगा बाइक को। दोस्तों ये आ गया हमारा फोल्ड इन रोड और देखते हैं कितनी दूर तक फोल्ड इन रहता है। टिल चेन्नई तक अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी बच चुके हैं 9। ये आ गया है इसका टोल और हमें यहाँ से भी लेफ्ट साइड से कटना होगा। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ है हाईवे में आज। मे बी ड्यू टू सुबह सुबह का टाइम है इसलिए सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। और ये PY का जो नंबर है, ये मुझे शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ का नंबर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये है पौंडीचेरी का नंबर। मैं देखता था गाड़ियाँ केरला में भी घुमा करती थी PY लिखी हुई, और फिर जब मैं इधर आया तब मुझे पता चला कि वो पौंडीचेरी का नंबर है। और दोस्तों मैं आपको अपने प्लान के बारे में थोड़ा बता दूँ जो मैं नहीं बता पाया था होटल में। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओंगोल, 480 किलोमीटर के आसपास करीब है, 500 समझ के रखिए, इधर उधर सिटी विटी में घूमते फिरते। और ओंगोल से मुझे जाना है विशाखापट्टनम। तो एक्चुअली मुझे यहाँ से विशाखापट्टनम जाना था लेकिन जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर लगभग पड़ता पौंडीचेरी से, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो हिस्से में। तो दो हॉल्ट लेते हुए मैं विशाखापट्टनम पहुँचूँगा। विशाखापट्टनम पहुँचने के बाद दोस्तों हमारे ट्रिप का जो 85% हिस्सा है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। रोड तो बहुत ही बढ़िया है अब तक, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। किलोमीटर्स चेन्नई यहाँ से। ये जो बिल्डिंग है वो रोड के उस पार, वो है SRM यूनिवर्सिटी जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये है 40 किलोमीटर्स दूर चेन्नई से और यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है। अभी जैसे से चेन्नई के पास पहुँच रहा हूँ भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है जिससे कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो गया है। चेन्नई करीब 25 किलोमीटर दूर और रोड आप देख सकते हैं इतना चौड़ा रोड है और उतनी ही ट्रैफिक भी है। एक बार रुक करके मैप चेक करेंगे ताकि पता चले कौन सा रूट किधर जा रहा है, क्योंकि सिटी में ही घुसना है मुझे चेन्नई। अननेसेसरी फिर ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों चेन्नई में मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि चेन्नई में कोई है भी नहीं और मेट्रो सिटी है जस्ट लाइक बेंगलोर।
हैदराबाद, तो यहाँ भी घूमने के लिए है बीचेस, लेकिन मैंने जो बीचेस आप लोगों को दिखाए हैं वो मेरे ख्याल से अल्टीमेट है। चेन्नई पहुंच चुका हूं और गर्मी ने और ट्रैफिक ने एकदम हालत ख़राब कर रखी है, बेहाल कर रखा है। और अभी रुके हैं यहां पे मैप चेक करने के लिए। ये जाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और गर्मी से हालत बेहाल। तो ये है चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई के थका देने वाले ट्रैफिक के बाद ये रोड मिला है बढ़िया, और बीच में इधर मैं रास्ता ही भटक गया था। बहुत कस के भूख लगी हुई है और अभी बस मैं इसलिए रेस्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम मेकअप करना है, ताकि मैं अंधेरा होने तक या शाम 7 बजे तक एटलीस्ट कम से कम पहुँच जाऊँ। बहुत ही बढ़िया रोड है लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और ये दो लोग पल्सर नया नया खरीदे हैं, चला रहे हैं एकदम मस्त में। और ये तीसरा पल्सर, पता नहीं शोरूम वाले हैं या फिर अपना अपना खरीदे हैं, पर जो भी है। चेन्नई से 134 किलोमीटर के बाद स्टॉप ले रहा हूँ। यहाँ से ओंगोल करीब 160 किलोमीटर और रह गया है और अभी दोपहर के बज चुके हैं 3। तो यहाँ लंच कर लिया, लंच क्या कहें, अब तो इवनिंग हो गया है, 4 बज चुके हैं और इधर साइड तो बादल भी गरज रहे हैं। तो खाना अच्छा था, पनीर बटर मसाला और रोटी। नेलोर क्रॉस कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा अभी एकदम एटमॉस्फेयर है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश बंद हो गया है और अभी बज गए हैं 4:40। ओंगोल बस पहुंच चुके हैं थोड़ी और देर, और फिर हम लोग होंगे होटल में। और कैमरे की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, तो हो सकता है मैं पूरा शूट ना कर पाऊँ। ओंगोल पहुंच चुका हूं और ये बादल पूरे भयंकर तरीके से कड़क रहे हैं, और होटल और मेरे बीच में बस 6 किलोमीटर का फासला रह गया है। तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि बस होटल पहुँच जाऊँ, उसके बाद बारिश तो भयंकर आने वाली है अभी। तो गाइस रीच होटल कावेरी ग्रैंड जो यहाँ ओंगोल में है। डर तो लगा लेकिन पहुँच गए। ऑलराइट फ्रेंड्स, रूम पहुँच चुका हूँ आफ्टर 500 किलोमीटर्स ऑफ राइड, और काफ़ी मज़ा आया राइड में। और लास्ट का जो मोमेंट था, लास्ट में 25 किलोमीटर समथिंग, वो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस था क्योंकि जो क्लाउड्स थे एकदम सर के ऊपर थे, गरज रहे थे, और मेरा कैमरा का जो बैटरी है वो डाउन हो गया था। इसलिए मैं रुका नहीं वहाँ पे कि कैमरा का बैटरी चेंज करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो सारा लगेज है वो एकदम पैक्ड रहता है। कैमरा बैटरी निकालने के चलते क्या होता कि मैं, हो सकता है कि बारिश में फंस जाता, क्योंकि टूरिंग में दोस्तों सही डिसीजन और सही टाइमिंग बहुत मायने रखता है।
और अगर थोड़ी सी भी इधर उधर टाइमिंग अगर होती है, थोड़ा डिसीजन देने में गलती होता है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैंने एकदम सही डिसीजन लिया ओंगोल में रुक करके। विजयवाड़ा यहाँ से करीब और 100 किलोमीटर के आसपास है। मैं सोच रहा था कि वहाँ भी स्टे ले सकता हूँ, और बारिश अभी जैसे कि आने वाली है, तो विजयवाड़ा के लिए अगर मैं जा रहा होता तो मैं फंस जाता बारिश में। और ये हाईवे ऐसी है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 6 लेन रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन रोड के साइड में अगर रुकने के लिए जो है कुछ बने हुए नहीं है। और अंधेरा हाईवे में आप कहाँ रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी 7 बज चुके हैं। तो एकदम सही डिसीजन था। और कल निकलूंगा मैं यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए, और 500 किलोमीटर्स का जो है राइड मुझे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेरा यहाँ से लेके विशाखापट्टनम का राइड। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं उसका आंसर आपको पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशाखापट्टनम का, ओंगोल से लेकर विशाखापट्टनम का जो राइड होगा उसमें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।